आज इनके स्कूल में साइंस कंपटीशन हो रहा है जिसमें ये दोनों शैतान बच्चे बोर होने लगते हैं। तो इनके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और ये स्कूल के सबसे पढ़ाकू लड़के के प्रोजेक्ट से छेड़खानी कर देते हैं, जिससे पढ़ाकू सोचता है उसकी मशीन। मगर इससे सभी बच्चे चकदे फटे कहकर मस्ती करने लगते हैं। लेकिन अगले ही दिन प्रिंसिपल इन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाकर दिखाता है कि इनके कल के सारे कारनामे रिकॉर्ड हो गए हैं। फिर प्रिंसिपल कहता है, और कल से तुम दोनों अलग अलग क्लासरूम में बैठोगे। इससे पहले भी ये सभी को प्रैंक करके परेशान करते थे। पर प्रिंसिपल के पास कोई सबूत नहीं होने से ये हर बार छूट जाते थे। भाई अदालत चल रही है क्या स्कूल में? मगर थोड़ी देर बाद ये दोनों दोबारा छुपते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और उस रिकॉर्डिंग को ढूंढने लगते हैं। मगर इतने में पीछे से प्रिंसिपल भी वहां जाता है और कहता है, मुझे पता था भूतनी कि तुम दोनों जरूर आओगे, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग साथ लेकर गया था। तो जॉर्ज प्रिंसिपल के सामने कुरकुरे में निकली अपनी प्लास्टिक की रिंग दिखाकर कहता है, तुम्हें नींद आ रही है, जिससे प्रिंसिपल सच में हिप्नोटाइज होने लगता है। ये देखकर हॉनोल पूछता है, भाई ये सब कुछ उड़ क्यों रहा है? तो जॉर्ज बताता है, फिल्मों में ऐसे ही होता है। तो हॉनोल पूछता है, ये क्या था भाई? तो जॉर्ज कहता है, बाबूराव का स्टाइल है। अब ये प्रिंसिपल उनके कंट्रोल में हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल को कॉमिक का चड्डी वाला सुपरहीरो बनने को कहते हैं। तो प्रिंसिपल सच में चड्डी वाला सुपरहीरो बन जाता है और कहता है, दुनिया को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। और भूतनी का सच में ऑफिस से कूद जाता है। फिर आगे जाते ही एक कार में भिड़ जाता है। लेकिन शहर में जिंगा लाला हो करते हुए गलती से दो चोरों को पकड़ लेता है। मगर एक दिन ये दोनों अपने साइंस टीचर का नाम स्कूल के सभी बच्चों को बता देते हैं, जिससे सभी बच्चे इसके नाम का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि इसका नाम पूपी पेंट्स है। तो ये कहता है, मजाक उड़ाता है भूतनी के, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और आगे जाते ही अपने सेलमोन भाई की गाड़ी से टकरा जाता है। फिर ये स्कूल के सबसे सयाने बच्चे की टॉयलेट वाली मशीन को बड़ा कर देता है और इसे ऑन करता है तो स्कूल के सभी बच्चों के दिमाग से हंसी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो चड्डी मैन इससे लड़ने के लिए आगे आता है तो ये बूढ़ा इसको पकड़कर टॉयलेट में डाल देता है। तो ये दोनों कहते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फिर ये इन दोनों को पकड़कर मशीन को चालू करता है, पर इन पर तो कोई असर नहीं होता, पर इस बेचारे की मशीन जरूर खराब हो जाती है, जिससे सभी बच्चे दोबारा नॉर्मल होकर मस्ती करने लगते हैं। मगर तभी ये बूढ़ा किसी भी चीज को छोटा करने वाली गन निकालता है और इन दोनों पर हमला करने लगता है। तो ये दोनों कहते हैं, मगर ये बूढ़ा इन दोनों को लीप बाम के बीच में फंसा देता है। पर तभी चड्डी मैन भी वहां आ जाता है। अब इसमें सच में सुपर पावर आ जाती है और ये इस बूढ़े पर चड्डियों से हमला करने लगता है और चड्डी मार मार कर टीचर के हाथ से उसकी जादुई गन छीन लेता है और भूतनी का उस बूढ़े को शूट करता है। तो ये बूढ़ा हल्क का भी चाचा बन जाता है। फिर ये भूतनी का खुद को शूट कर लेता है तो ये एंटमैन का फूफा बन जाता है और कहता है, भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर चड्डी मैन इस बूढ़े से लड़ने जाता है तो ये बूढ़ा चड्डी मैन को मच्छर की तरह दूर फेंक देता है, जिससे ये गन बच्चों के पास गिर जाती है। फिर ये दोनों गन को उठाकर चड्डी मैन को दोबारा बड़ा करने लगते हैं, मगर गलती से हॉनोल का हाथ बड़ा हो जाता है। तो हॉनोल है। तो जॉर्ज उस बूढ़े को शूट करने लगता है पर गलती से स्कूल को छोटा कर देता है। तो ये बूढ़ा स्कूल को अपने हाथ में उठाकर खेलने लगता है, मगर तभी पीछे से चड्डी मैन आकर स्कूल को छीन लेता है। फिर ये बूढ़ा इन दोनों से गन लेने लगता है तो हॉनोल कहता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और गलती से बूढ़े की मुंडी को शूट करके छोटी कर देता है। फिर गन ऊपर हवा में उछलकर अपने आप चलने लगती है, जिससे हॉनोल का हाथ भी सही हो जाता है और गन दोबारा इन दोनों के पास आ जाती है और ये इस बूढ़े को छोटा करके पकड़ लेते हैं। फिर ये स्कूल और चड्डी मैन दोनों को भी बड़ा कर देते हैं और गन को तोड़ देते हैं। लेकिन ये भूतनी का चड्डी मैन तो स्कूल को ही टेढ़ा रख देता है। इतने में ये बूढ़ा भी मच्छर पर बैठकर धूम मचाले करते हुए वहां से रफू चक्कर हो जाता है और उसकी टॉयलेट वाली मशीन को कबाड़ में फेंक देते हैं, जिससे कि बहुत सारे टॉयलेट सुपर विलेन बन जाते हैं। तो चड्डी मैन अपनी गर्लफ्रेंड को रेस्टोरेंट में ही छोड़कर इन दोनों को लेकर टॉयलेट से लड़ता हुआ आसमान में चला जाता है और कहता है, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में पूरा कोहरा ही कोहरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी बहुत मदद होती है।